इतना प्यारा नजारा यार, वाओ। चारा उठा रहा था अबू जान, सुबह बोल के आए थे कि दूध भी ले जाना और चारा भी जो है ना वो उठा के आपने फेंक के आना, क्योंकि यहाँ से लेके ना उठा के तो वहाँ लेके जाना डेरे पे, तो रोजे में यार चारा काटना वहाँ फेंकना इट्स नॉट पॉसिबल। तो चाहिए कि हेल्प करो, अब टाइमिंग जो है ना हमारी वो चेंज हो चुकी है, पहले तो टाइमिंग बहुत शॉर्ट, सोचा कि ये भी हेल्प की जाए, कि ये भी काम किया जाए, तो इसलिए मैं आ गया। अबू जान चारा काट रहे हैं और दूध भी जो है ना वो उन्होंने यहाँ पास रखा हुआ है, वहाँ बिल्ला पड़ने का खतरा था, उसके पास आते हैं और चिक्स को जो है ना उन्होंने वहाँ अंदर ही कवर किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, अभी ये काटते हैं तो फिर मैं फेंक, तो आपको बताता हूँ मेरे चिक्स ने मुझे क्या गुड न्यूज दी है। अभी ये उठा लूँ, ले चलूँ दर, मैं आपको दिखाऊँगा अभी और बताऊँगा भी इंशाल्लाह। वाह दोनों माशाल्लाह कितने बड़े हो गए हैं, और जो मेरी मुर्गी रानी है ना वो माशा जो है ना वो अंडे देना भी शुरू हो गई है, तकरीबन 3 से 4 इसके जो अंडे है ना वो घर पड़े हुए हैं, तो अभी ये खाने की फिराक में है, तो इसको जो है ना कुछ देता हूँ खाने के लिए। अभी तक इसने अंडा नहीं दिया, मैं अंडा ही देख रहा था कि मैं भी देखूँ किधर है। अबू जान जो है ना वो घर ले जाते हैं और जाके रखते हैं फ्रिज में, ये जो है ना चारा वगैरह उठा के ले आया हूँ। अबू जान वहाँ के 2 चक्कर में उठा लो, ऐसे रोज़ा भी है प्यास कहाँ से पानी, तो अबू जान की बात मान ली और ये 2 टाइम में मैं ले आया। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा कुछ भी नहीं कहता, रोज़ आती मदद है काम करने के लिए, और ये दोनों भी खा रहे हैं। देखे यार जो है ना वो मुर्गी रानी अंडा देती है कि नहीं, और बताएं इनके नाम भी जो है वो क्या रखे जाएँ। तो वो दूध पड़ा है, मुझे साथ ले आए हैं और दूध को लेके चलते हैं घर। अभी इनके लिए जो है ना वो बाजरा भी लाऊंगा, अभी ये टुकड़ा है रोटी के टुकड़े किए हुए भुजा ने, तो वो इनके आगे जो है ना वो डाले हैं, तो ये खा रहे हैं। ये वाला जो डोर है ना वो क्लोज कर दूं, कहीं ये अंदर इधर ना आ रहे। बहुत गया जनाब, चूहा चूहा बंद करो, इसको चूहे को आने दो, तो मैं इसको करता हूँ बंद ऐसे। चलो जी, और ये खाए आराम से अपना खाना, डाल रहा है बहुत ज्यादा, इसको जो है ना अपनी वो शरीके हाथ नहीं मिल रही, तो ये शोर डाल रहा है वो शरीके हाथ जो है ना यहाँ पे शायद आपको नजर आ रही है, वहां पे बैठ के ना वो अंडा दे रही है। मैं बस जाने लगा था घर तो वहाँ घुस गई, जहाँ बुजा ने जो है ना वो शॉप पर रखा हुआ है कि वहाँ ये अंडा दे, तो वहाँ जाके ये अंडा देती है, वहाँ घुस गई है और ये शो डाय उसको वो मिल नहीं रही, इसकी जो है ना वो हम सफर। ए सबर कर, रे सबर कर, आ जाती तेरे पास, वो लगाई हुई है तूने गंदा बेबी, मान गया मेरी बात, अब अंडा और ये। माशाल्लाह माशाल्लाह देखे मेरे रब की कुदरत, मुर्गी ने अंडा दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी आज दूसरा रोज है और अफ्तारी में तकरीबन कोई 5 या 7 मिनट रह गए, और मैं जो हूँ ना काफ़ी लेट हो गया हूँ, आज जल्दी जल्दी डांट रहा कहीं पर, लेकिन काम है ये भी तो करना है ना, तो अभी जो है ना निकलते हैं जल्दी से घर को, और ध्यान से कहीं रास्ते में रोज़ाना खुल जाए, सबकी दौड़ें लगी हुई हैं और मेरी भी लगी हुई है। मुझे अबू जान में आते हैं तो बोला था कि डीजल भी लेके आना है, तो ये बात मैं करता हूँ बाद में, लेकिन आप पहले ये नज़ारा देखें, माशाल्लाह कितना प्यारा नज़ारा यार, वाह। तो डीजल ने कहा था 4 रुपये, लेकिन मैं लेट हो गया, अभी मैं वो भी लेके नहीं जाऊँगा, अभी जो है ना मैं वो डीजल भी लेके नहीं जाऊँ, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ, 6 बजे में सिर्फ 2 मिनट बाकी है, रोज़ा अफ्तार में तकरीबन मुझे कोई आइडिया नहीं, तो मेरे पास कैलेंडर नहीं है, लेकिन मैं तेजी से जा रहा हूँ कि जल्द से भागूँ, तो आज अफ्तारी में क्या क्या बनाई है, कहाँ जाऊँगा तो पता चलेगा, तो चलते हैं घर बिना देरी किए, आप आपसे लेकर मैं घर जा रही हूँ। अफ्तारी का टाइम जो है ना हो गया तकरीबन 1 या 1 मिनट आई थिंक रह गया,
तो अभी जा रहा हूँ इफ्तारी लगाइए, वहाँ जाके बैठता हूँ इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना मैं वो शेयर करता हूँ कि मैंने इफ्तारी में क्या बनाया है। मुझे कुछ समझ नहीं आई, और मार्केट में मुकम्मल जो है ना वो बंद थी, कोई शॉप ओपन नहीं मिली। अभी शुरू शुरू तो ऐसे ही होगा, लेकिन जब आएगा थोड़े दिन आगे चलेगा, हफ्ता डेढ़ तब तक मार्केट ओपन ही रहेंगी, शॉपिंग वगैरह भी करनी है। तो मुझे भाई जो है ना वो मैं कपड़े ले गया था, यह 10 स्कूल यार ओके हो गया। तो वजू करते हैं बाद में, पहले इफ्तारी कर ले, अगर वजू किया तो फिर इफ्तारी का जो टाइम है ना वो निकल जाएगा। तो आइए करते हैं फिर इफ्तारी। रमजान में बड़े रखे, किसी को कोई जो है ना वो दुख तकलीफ नहीं दिखाए, और सबको जो है ना अपने हिफ्ज़ में मान रखे। अगर मैं होता गया तो जो है ना मैं आपको कम्प्लीट प्रोसेस दिखाता, लेकिन मैं गया नहीं था, जहाँ पे था टिका पा कमाने गया था और कमा के मैं जो है ना वो आया हूँ। वो अजान और इफ्तारी शुरू। रोजा था आपका नहीं तो फिर क्यों आपने शुरू किया है? नहीं करो जान, बात है मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, वो लेट होगा जो बात होगी। अब मैं हिदायत को रोका छोड़ के आया हूँ, वो एक्चुअली जो है ना मुझे नहीं निकलता, बहुत अटैच है मेरे साथ ना वो। तो यहाँ से रास्ता भी कुछ ऐसे यूँ है हमारे गांव का, माशाल्लाह क्या है कहने कि लाइट के बगैर गुजरा नहीं जाता। अभी जाता हूँ मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तो इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत अल्हम्दुलिल्लाह उस रात का बहुत शुक्र है, बहुत फजल है। और ये कंडीशन मैं बता था ना, ऊपर से बादल भी छाए हुए हैं, फिर अंधेरा किया हुआ बादलों ने, तो कभी आती है बारिश कभी नहीं आती, बूंदाबांदी बस जो है ना वो होती है। तो अगर आ गई तो यहाँ से गुजरना जो है ना वो मुश्किल नहीं, नहीं नामुमकिन हो जाएगा बगैर बाइक के। तो अल्लाह पाक जो करता है बेहतर करता है। अब पूछा मुझे कह रहे थे कि जो है वो लेके आओ आप लेकर, जो है ना रमज़ान के बाद भी जो है ना पाँचों वक्त बाद जमा नमाज बात करते रहे, आमीन सुन आमीन। अभी मैं करने लगा हूँ वो डिनर, खाना खा लूँ, तो क्योंकि अभी तराजू का टाइम हो जा रहा है, तो उसके बाद खाया जाए तो फिर सोया मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जो है ना अभी मैं खा लूँ खाना। तो आपसे मैं चाहूँगा इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत सारा प्यार ढेर सारे के साथ। अल्लाह हाफिज़।